हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक करा दिया। अब हम यहाँ से आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 and 16। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने साथ भाई एग्ज़ाम के लिए। तीनों के तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, तो सारे बच्चे देखेंगे। मैं सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, कौन सा करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। देखो, हम ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी मेहनत करनी है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ ही साथ पढ़ेंगे। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है, उसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब है कि एक लड़की है यहाँ पे ऐसे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बलून है जो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन अ लाइन, ठीक है, ड्यू टू विंड। अब उसमें आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट अ इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यहाँ से इस गर्ल्स की आइज पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, मेरा 60 डिग्री, ठीक है। और कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम्स क्या हो रहा है इसमें, आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस। देखो, जब भी एंगल डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट दूर, तो इधर की तरफ जाएगा यहाँ से और ये यहाँ पे आ गया आपका बलून, ठीक है। अब इसने कहा है कि आपका ये बलून जब यहाँ पे आया है तो आप उसे ये बताइए कि एक तो एंगल हो गया इसका 30 का, ठीक है भाई, और ये वाला पहले कितने था 60 का, अब हो गया 30 का। वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए, आपके बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जब इससे यहाँ तक हो गया, जब इसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर। ये हाइट पूरे उसकी है बलून की यहाँ से। अब देखो बच्चों, ये तो डायग्राम बना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको क्या करना है अब ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ए बी सी, मैं इस पर पॉइंट रख रहा हूँ, ए बी सी, एक ट्रायंगल तो मेरा ये होगा, दूसरा होगा ए बी सी डी और ई, दूसरा यहाँ से होगा, ठीक है। सेम चीज़ें थी, कुछ नहीं थी, क्या था कि एक बलून था उसका एंगल 60 डिग्री था, कुछ टाइम बाद बलून ने मूव करना स्टार्ट किया, मूव करके वो यहाँ पे आ गया, उसका एंगल 60 से कितना हो गया 30। अब बात ये आ रही है कि इसमें गर्ल्स की जो हाइट है वो आपको गिवन है, वो हाइट कितनी है 1.2 मीटर। मैंने कहा ना बिल्कुल रेक्टेंगल और स्क्वायर की तरह काम करता है, तो इतना यहाँ पे तो इतनी ये वाली साइड होगी, तो यहाँ पे गर्ल्स की हाइट को कम करने के बाद इसकी जो हाइट रह जाएगी वो रहेगी 87 मीटर। कितनी रह जाएगी 87, और ये 1.2 नीचे हो जाएगी। ये बना आपका डायग्राम। अब आपको इसमें सीधा डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और कौन सा क्या निकालना है। देखो, सबसे पहले मैंने कहा वो ट्रायंगल लेते हैं जिसमें कोई दूसरी साइड उसकी एडेड साइड यूज ना हो, मतलब इस साइड के साथ ये भी ऐड हो रहा है ये यूज ना हो, तो पहले 60 डिग्री वाला। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी कितना है 90, इसके अकॉर्डिंग अब इसमें लगाओ आप, ये क्या है एंगल आपका, आपको इसकी बात करनी तो मतलब बेस चाहिए, सामने ये गिवन है आपका वो क्या है हाइट, तो ये भी कितना होगा मेरा 87 बेटा, कितना होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14, MIMP मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, ऐसा मत करना कि मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, एग्जांपल्स पर नज़र नहीं डाल रहे भाई, एग्जांपल भी उतना ही वेटेज रखते हैं पर उसका सॉल्यूशंस आपके पास है, इसलिए मेरा टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। और मेरे टाइम की भी बात नहीं है, बात है कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक करके आप देखो, जिसमें आपको प्रॉब्लम आप वही देखेंगे। मैं बच्चों से ये बात जरूर कहता हूँ कि जैसे आपको दिक्कत नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस, तो इस वीडियो को देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा नेसेसरी पॉइंट नहीं है कि नहीं मुझे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़नी ही पढ़नी है हमें एक बार और, नहीं, जिसमें दिक्कत है सिर्फ उसी के लिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो बेटा, टेन 60 ए बी
अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। टेन सिक्सटी का मतलब कितना होता है बेटा यहाँ से, वन अपॉन रूट थ्री होता है 30 का, और 1060 का मतलब होता है रूट थ्री। अब मेरे पास ए बी कितना है 87 और बी सी कितना है ये, तो बी सी इधर आ गया, तो बी सी इक्वल टू मेरा आ रहा है 87 अपॉन रूट थ्री। मैंने आपको पहले ही बता दिया रूट थ्री आ रहा है तो रेंसलाइज कर दीजिए, कितना बचा 87 रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री से 29 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 29 रूट थ्री। इसको कैलकुलेट करके अभी आपके पास ओनली बी सी निकला है यहाँ से यहाँ ये। अभी दूसरा ट्राइंगल लेना है आपको, कौन सा वाला, ये पूरा लेना है। देखिए इन ट्राइंगल ई सी डी, कौन सा है ई सी डी, हमने ट्राइंगल तो ले लिया इन ट्राइंगल ई सी डी, एंगल डी कितना होगा मेरा 90 डिग्री। अब उसके बाद देखो आप यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है डी 90 डिग्री का है तो यहाँ पे एंगल कौन सा हो गया, पहले 60 आपने ये वाला ट्राइंगल यूज़ किया था तो यहाँ पे ये एंगल था, अब कौन सा यूज़ कर रहे हो ये वाला, तो एंगल कितना है ये, तो यहाँ से 10 30, किसकी बात की हमने 10 30 की, 10 30 में क्या आया बेटा ये देखेंगे ध्यान से, 10 30 परपेंडिकुलर ये रहा मतलब डी ई अपॉन। अब देखो बेस पे ध्यान रखना, बेस इसमें पूरा आता है इसलिए मैं पहले को क्यों निकालता हूँ, इसमें आता है इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ मेरा आराम से ये निकल आता है, तो आपको इसलिए इस ट्रायंगल को बाद में लेना है, यहाँ से यहाँ तक होगा ये पूरा क्या होगा मेरा बेस, तो बेस कितना हो जाएगा डी सी, 1030 की वैल्यू 1/√3 और ये कितना है मेरा 87, कितना है 87, ठीक है बेटा, और नीचे कितना है डी सी, तो डी सी इधर आएगा ये, तो डी सी इक्वल टू 87√3 और डी सी का मतलब क्या है, ये मेरा बी डी प्लस बी सी, यही तो मतलब था, देख लो आप आपके सामने है ये पूरी साइड थी डी सी, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट किया तो कितना आया बी डी और ये कितना है बी सी, और जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए बी डी चाहिए, मुझे क्या चाहिए बी डी, बी डी मुझे इतना चाहिए और ये अभी कितना है 87√3, इसका मतलब यही तो निकला कि बी डी को मैं क्या कर दूंगा माइनस, तो बी डी इक्वल टू मैं क्या माइनस करूंगा 87√3 माइनस के बी सी, बी सी की वैल्यू देखो सारे बच्चे आप पहले ही निकाल चुके हैं इसको 29√3, आंसर कितना आ रहा है मेरा 58√3, कितना आ रहा है 58√3। नेक्स्ट बेटा आगे देखेंगे सारे बच्चे, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर किसी बच्चे को बोलो डायग्राम आपने अगर बना लिया और ये हाइट यहाँ पे मिस्टेक होती है, हाइट माइनस नहीं करते, अगर आपने हाइट माइनस कर दी तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि ये इस ट्राइंगल का यूज़ करो इस वाले का करो, इससे आपको ये साइड मिलेगी और इस वाले से यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड, इसको स्प्लिट कर दो या फिर इस साइड में से इसको माइनस कर दो तो भी इतना ही रह जाएगा, पर हो तो यही रहे ना 87 - 29√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 वाला पढ़ो भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है, एक कार मूव कर रही है एक टावर की तरफ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो हाइट एंड डिस्टेंस के मार्क्स तो ये मान लो आपके लिए फ्री के होते हैं, आपको दिक्कत आई हो सकता है कि आपके टीचरों को जिस तरीके से कराए, वरना ये मार्क्स तो बिल्कुल फ्री के, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। आई स्ट्रेट लाइन हाईवे कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक टावर है आपका उससे इसका फुट है लीड कर रहा है सीधा यहाँ से स्ट्रेट लाइन, मैं डायग्राम यहाँ से बना रहा हूँ, ये रहा मेरा टावर, यहाँ से एक हाईवे ये जा रहा है, उसने कही ठीक है भाई, अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे कोई मैन स्टैंड कर रहा है, ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, कोई कार है उसका एंगल कितना है 30 डिग्री, एंगल ऑफ कौन सा है और ये आपका डिप्रेशन वाला,
तो डिप्रेशन वाला एंगल यही बनता है। और ये कितना है मेरा 30 डिग्री, ठीक है बेटा। अब उसने दूसरी बात बोल दी आपसे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यहाँ से ये इधर इसके टावर के फुट की तरफ आ रही है, वो भी कैसी स्पीड में आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द टेकन टाइम बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर पर 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री, आफ्टर 6 सेकंड द एंगल 30 डिग्री इज कन्वर्टेड इन टू 60, मतलब चेंज होके आ जाता है भाई, और वो भी चेंज होके कितना हो गया ये 60 डिग्री। अब उसने इसको जो कवर किया है वो कितने टाइम्स में किया है 6 सेकंड्स, ठीक है बेटा। आपको इसमें कुछ नहीं दिया और उसने कुछ पूछा भी तो नहीं है, हम पूछा भी क्या है, टाइम पूछा है। तो देखो ए बी सी और डी इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया, यहाँ पे एंगल बी है वो कितना है 90 डिग्री, कितना है आपका 90 डिग्री। अब देखेंगे सारे बच्चे इधर कितना सबका क्लियर है, ये एंगल बी है और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, आपका इतना तो आप सबकी समझ में आ रहा है। अब यहाँ से इसमें जो बात बोली उन्होंने ए बी सी, अब देखो इसमें जो मैं आपसे पूछूँ आप बताओगे, मैं इसको निकाल रहा हूँ और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए एच लेट कर लिया है, दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल इन क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 60 क्योंकि ये लेना है और साथ में ये, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये क्या है मेरा डी, तो 10 60 कितना हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, कितना हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो बेटा देखो 10 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू कितनी है एच और बी सी एज इट इज है, तो बी सी यहां से जो मेरा निकल के आ रहा है एच अपॉन √3 आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट निकल आया। सेम क्वेश्चन यहां पे होगा, ये वाला एंगल कितना था 30, ये यहाँ पे होता है तो यहाँ पे ये 60 था तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया ये 30 है, तो मैंने ये कहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। तो देखें इन ट्राइंगल ए बी डी और एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दूसरे ट्राइंगल में भी देखेंगे सारे बच्चे क्या हो रहा है भाई, इसमें 10 30 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 10 30 डिग्री, और वो भी किसके इक्वल आ रहा है ए बी ए बी अपॉन डी बी, कितना आ गया डी बी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √3, ये तो वैल्यू आ गई इसकी 1 अपॉन √3। अब देखो ए बी मैंने एच रखा क्योंकि मेरे पास एच है ऑलरेडी, तो डी बी डी बी की वैल्यू को मैंने डी बी रखा भी क्योंकि इसको मैं आगे स्प्लिट करूँगा, तो जैसे ही डी बी लिखा तो ये आ गया √3, तो डी बी कितना है ये। अब सुनो डी बी को स्प्लिट करोगे तो कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगा, एक पार्ट इसका ये रहा और एक पार्ट इसका ये रहा, तो डी बी इक्वल्स टू मेरा जो निकल के आ रहा है यहाँ पे क्या निकल रहा है बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी सी इक्वल्स टू √3। अब मैंने आपसे क्या किया बी सी आपके पास है तो आप डी सी की पहले वैल्यू तो निकालो कितनी आएगी, तो डी सी इक्वल्स टू आ गया √3। अब ये BC इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, और BC की वैल्यू कितनी है √3 और ये कितना है √3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो नीचे आ गया 3 और ये हो गया 3H और माइनस एच तो 2H अपॉन √3। भाई सुनो 2H इक्वल्स टू टाइम कितना लग रहा है, तो टेकन टाइम इन 2H अपॉन √3 कितना है 6 सेकंड्स है भाई, देख लो ये था आपका DC और ये आ रहा था मेरा 2H अपॉन √3 और टाइम इसमें कितना लगा मेरा 6 सेकंड्स, कितना टाइम्स लग रहा है 6 सेकंड, और आपको किसमें चाहिए BC में और BC कितना है मेरा H अपॉन √3, तो आपको टाइम किसका चाहिए H अपॉन √3 का, तो इस 2 का क्या कर देंगे हम इधर ले जाके डिवाइड, तो H अपॉन √3 में जो टाइम लगा वो कितना लगा 3 सेकंड्स,
तो आंसर्स में भी मैं क्या लिखूंगा, 3 सेकेंड। दिस इज कंप्लीट। कुछ नहीं था, ये निकाला आपने, ये निकाला फिर ये, और कैलकुलेट कर दिया। ओके बेटा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 16। मैं मिटा रहा हूँ बेटा इसको, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15 था, लास्ट रह गया है। इसके बाद आपकी हाइट एंड डिस्टेंस मेरे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हाँ, सॉल्यूशन में कुछ पेपरों के अपलोड करूँगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो आगरा की सबसे बिगेस्ट टेस्ट सीरीज हुई थी, द बिगेस्ट टेस्ट सीरीज इन आगरा, और ये मेरा फ़ोन नंबर है सारे बच्चों के लिए, 7983। मैं किसी बच्चे की कॉल शायद ही नहीं रिसीव कर पाऊँ, आप लोग मुझे इस पर व्हाट्सअप कीजिए और टेस्ट सीरीज़ के पेपर प्रोवाइड कीजिए। वो 4 पेपर हुए पूरे आगरा में, और द पेपर इज़ अ वेरी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वो आपकी मर्ज़ी है फिर कि आप उनको किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, और हाँ कल मैं, कल 10th वाले बच्चों के लिए एक स्पीच या इस तरीके से कि एग्ज़ाम में कैसे करना है, क्या करना है, इस चीज़ पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा टर्म्स एंड कंडीशन के, आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम कैसे देना है, ठीक है। तो सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर मेरा है यहाँ पर 16। कौन सा क्वेश्चन है, 16। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है बेटा 16 वाला कि एक आपका टावर है, उसे नहीं पता इस टावर से सम डिस्टेंस पे, एक तो 4 डिस्टेंस पे और एक कितने पे है, एक ही लाइन में, किस में है, एक ही लाइन में, एक का एंगल यहाँ पे और यहाँ पे है। अगर ये मैंने थीटा लिया तो ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा, इसकी डिस्टेंस है 4 और इसकी पूरे की डिस्टेंस दे रहा है 9 टावर के पॉइंट से, ठीक है। और अगर कोई बच्चा इसका ये कहे कि सर आपको कैसे पता चला कि दोनों एक ही लाइन में, तो भाई मैं नहीं कह रहा कि दोनों एक ही लाइन में, आप दूसरी लाइन में भी बना लीजिए, दूसरी लाइन आपकी कहाँ बन गई, जैसे टावर ये रहा, इधर आपने बनाया और इधर बनाया, कोई डायग्राम ऐसे भी बना सकता है भाई, दोनों ही डायग्राम बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, एक ही लाइन में, मतलब इसके जहाँ टावर का फुट है वहाँ से ये 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर होगा, देख लेना मीटर को तो मीटर, सेंटीमीटर को तो मीटर, और ये होगा 9 मीटर। बस रिलेशन इसका दे रहा है इस वाले एंगल का और इस वाले का, ये थीटा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये थीटा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसने क्या बोला है तो सुनो बेटा, उसने आपसे ये बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोथ पॉइंट्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दैट मीन्स दो एंगल उनका अगर आपने सम किया और वो कितना मिल जाए आपको 90 डिग्री, तो कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ पे कितना है, जैसे 30 डिग्री है तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 60, ये कितना है 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा दूसरा एंगल ऑटोमेटिक 80, और ये कैसे निकल रहा है, जैसे 30 है, 30 को किस में से माइनस किया आपने 90 में से 60, 45 को ये, तो 10 को किस में से, ऐसे ये मैंने ये थीटा लिया तो इसको किस में से माइनस कर दिया 90 में से। देखो लास्ट क्वेश्चन ए बी सी डी, इसको मैंने H लेट कर लिया है, क्या लेट कर लिया है H, तो इन एनी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल अब कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ए बी सी, और बी इक्वस टू 90 डिग्री, बी इक्वस टू 90 डिग्री, 10 ये रहा या इसके सामने H अपॉन 4 मीटर, ठीक है, एच अपॉन कितना है 4 है, 90 माइनस थीटा क्या होगा, किसी बच्चे को अगर पता हो, नहीं पता हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस किस में होता है साइन में, और टेन किस में चेंज हो जाता है कॉट में, ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 90, और ये 90 माइनस पूरा हटता है ये इतना पार्ट,
इतना पार्ट हटके किस में कन्वर्ट होता है यही देखना है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस ये प्रॉपर्टी थी जो रिड्यूस सिलेबस में थर्ड में निकलवा दी थी। पर मैंने तो भाई अपने स्टूडेंटों को पढ़ाया था, और मैं ये भी सोचता हूँ कि आप लोगों के टीचरों ने भी आपको पढ़ाया होगा, नहीं हो तो किसी से भी डिस्कस कर लेना, वरना मुझे फिर मैसेज कर देना। क्या था, कुछ नहीं होता, 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, पूरा 10 केस में चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 4। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी और बी इक्व टू 90 डिग्री, तो यहाँ से जो मेरा निकल के आ रहा है टेन थीटा, और टेन थीटा कितना हो जाएगा, ए बी, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, तो टेन थीटा तो टेन थीटा ही रहेगा, क्यों, एंगल है ही नहीं मेरे पास। ए बी कितना होता है, एच, आप एच रख चुके हो इसको, और ये आपको गिवेन है। ठीक है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, जैसे ही फर्स्ट का करोगे तो कॉट का कॉट से, दोनों साइड का आप कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, और ये हो जाएगा एच अपॉन फोर इंटू एच अपॉन नाइन। अब देखो भाई, कॉट का मतलब वन अपॉन टेन होता है, ये होता है टेन थीटा, और एच स्क्वेयर अपॉन 36 कितना होता है, एच स्क्वेयर अपॉन 36, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ये कितना रह गया, वन। ठीक है, तो वन इक्वल्स टू एच स्क्वेयर अपॉन 36, एच का मतलब एच स्क्वेयर इक्वल्स टू 36, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो, जब रूट लगा होता है तो वैल्यू आप प्लस माइनस में लेते हो, पर आपको यहाँ पे ऑलवेज प्लस लेनी है, बिकॉज द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स नेवर बी नेगेटिव, मतलब ये निकला कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट मीन्स द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरी हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म होती है, बहुत जल्दी मेरी आपकी फर्स्ट पेपर की वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी, और अगर आपको पेपर के टेस्ट सीरीज के पेपर्स चाहिए तो यहाँ पर ये मेरा नंबर है 7983484979, इसमें से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी क्लास, और लिख देना मैसेज रिगार्डिंग फॉर टेस्ट सीरीज, ठीक है, पेपर ऑफ टेस्ट सीरीज। इसी के साथ आपको 5 मिनट के अंदर पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे, और आज की क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आने वाला है, टॉपिक है सर्कल, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो होगी वो क्या होगी, सर्कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो सबसे बड़ी ये छोटा चैप्टर और 6 मार्क्स का आ रहा है, 12-13 क्वेश्चन वो भी सारे आसान, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी, एक हाइट एंड डिस्टेंस थी और एक ये था, ये बिल्कुल मान लो फ्री के आपके मार्क्स आएंगे आपके पास, और 13 के आ रहे हैं दोनों मिलके, मान लो 30 क्वेश्चन में से ही पूरा पेपर आ जाएगा, और 30 क्वेश्चन में से 13 मार्क्स आ रहा है, तो इतना आसान इस बार पेपर आपके आने के चांस हैं। और बस आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको सर्कल के साथ।